हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज नेहा रुपेत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं न्यू ईयर पार्टी लुक, जो कि हम न्यू ईयर को करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। प्राइमर के लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे इंटायर्स कॉस्मेटिक्स का बबल गम प्राइमिंग पोर्शन। मैंने अपना फेस पहले मॉइस्चराइज किया है, उसके बाद आई एम यूजिंग दिस प्राइमर, क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ड्राई रहती है, तो जितना प्राइमर अच्छा लगेगा, जितनी बेस अच्छी होगी, उतना ही मेकअप अच्छा टिकेगा। ये बहुत अच्छा है, मज़े का है। जिस जैसा इसका नाम मज़े का है ना, बबल गम, वैसा ही ये लगता भी मज़े का है, क्योंकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही ऑयली ऑयली है, और सर्दियों में तो ये बहुत अच्छा जाता है। डू ट्राई दिस आउट और बस थैंक मी लेटर। मेरी कोई इनके साथ स्पॉन्सरशिप नहीं है, ना ही कोई पार्टनरशिप है, बस मुझे अच्छा लगता है। देखिए मेरे फेस पर ग्लो कैसे आ गई, सिर्फ मैंने अभी वही लगाया सिरम, मैंने और कुछ भी नहीं लगाया है आपके सामने। एंड जस्ट चेक, प्राइमर को हमें पूरा 2 मिनट के लिए रखना है लगाकर। आपको डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगाना, क्योंकि डायरेक्ट लगाओगे तो फिर फाउंडेशन फटेगी, ज़रूर फटेगी। जो आप लोग कहते हो कि यार हमारी फाउंडेशन फट जाती है, लाइन्स आ जाती हैं, नाक से उड़ जाती है, वो ज़रूर होगा अगर आप लोग फ़ौरन से ही लगा दोगे। और अभी मैं जो है फाउंडेशन लगा रही हूँ O2O कॉस्मेटिक्स का, विच इज़ इन द शेड 120 नेचुरल। ये बहुत मज़े का फाउंडेशन है, ये वेरी रीजनेबल एंड वेरी वेरी गुड। और इसकी जो फिनिश आती है ना फेस पे, वो बस कमाल की आती है, बिल्कुल ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। इनके साथ मेरी कोई पार्टनरशिप नहीं है, बस ये कि मुझे फाउंडेशन अच्छी लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आपको कोई बहुत ही अच्छी रीजनेबल फाउंडेशन चाहिए तो। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इनकी। और यप, सो इट लुक्स लाइक, मैं हाथ से लगाती हूँ। बट यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, लिटिल गोज अ लॉन्ग वे। आपको बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन है, आपको भरना नहीं अपना फेस, क्योंकि देखो पार्टी मेकअप कर रहे हैं टाइप ऑफ, को इतना नहीं लगाना है जिससे बहुत मैस हो जाए, और आपको थोड़ा सा लगाना है, और ये थोड़ा भी बहुत अच्छा चल जाता है। मैंने लिटरली 2 पंप लगाए। दिस फाउंडेशन इज़ वेरी लिक्विडी, कोई ये थोड़ा हार्ड भी नहीं है, और ना ही ज़्यादा, मैं क्या कह सकती हूँ कि वह हाई कवरेज है, ये मीडियम टू लो कवरेज है। इसको बिल्डेबल कर सकते हो खुद। मैं इसको कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड। अगर आपको ब्रश सूटेबल है तो आप ब्रश भी कर सकते हैं, बट अभी जो है मेरा दिल नहीं कर रहा है कि मैं ब्यूटी ब्रश यूज करूं। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, बिल्कुल ही नेचुरल लगता है एंड इट इज़ परफेक्ट फॉर पार्टीज एंड ऑल। मैं वेडिंग में भी कर सकती हूँ ये, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट समवन जिसको हैवी कवरेज अच्छा लगे, हाई कवरेज, बट मुझे ये कवरेज बिल्कुल सूटेबल रहता है। सो फॉर कंसीलर टुडे आई एम यूजिंग दिस लॉरियल कंसीलर इन द शेड कैशमेयर 327। इट इज़ वेरी थिक, तो मैं इसको थोड़ा सा ही लूँगी। अगेन मैं इसको भी ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी। कंसीलर को मैंने पूरा ब्लेंड कर दिया, और कंसीलर को सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट नहीं करोगे तो देखो लाइंस पड़ जाएंगी आपको, फिर आपका कंसीलर जो है ख़राब हो जाएगा, बहुत गंदा लगता है। तो आज मैं उसको सेट करूँगी इसके साथ लूज़ पाउडर, ये है ग्लैम गर्ल का लूज़ पाउडर, इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत रीज़नेबल है एंड प्लस बहुत अच्छा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और हुदा ब्यूटी का भी लूज़ पाउडर बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा बस पॉकेट। सो नाउ लेट्स कम टू द आईब्रोज। फर्स्ट आईब्रोज के लिए मैं जो है सेम ग्लैम गर्ल की ही पैलेट यूज करूंगी, और ये आईब्रो ब्रश यूज करूंगी। इसमें से मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी और अपना शेड बनाऊंगी, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही उठाऊंगी, मुझे आईब्रो को ज्यादा फिल करना अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस थोड़ी सी जो गैप्स होती हैं उनको फिल करती हूँ। पहले ब्रश करना है फिर फिल करना है, मैंने इस वाली आईब्रो को ब्रश कर दिया था, ठीक है? बस इतना सही करूँ। सो द आईब्रोज आर डन, और अभी मैं अपना आई मेकअप करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा लाइट सा आई मेकअप करूँगी, क्योंकि इतना कोई हैवी करना नहीं है हमें। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाली पैलेट, इट्स फ्रॉम ज़े5।
स्टेयर मोथ स्कॉट पैलेट, इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं जो है अपना ब्राउन शेड उठाऊंगी फॉर ट्रांजिशन, और अपनी मैंने आईज़ को सेट कर लिया था तो मुझे कोई पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्लेंडिंग ब्रश से आपको पहले ये वाला शेड उठाना है, अपने ट्रांजिशन में लगाना है। बिल्कुल हल्का सा मैं आज मेकअप करूँगी आईज़ पे, क्योंकि हमें पार्टीज़ में इतना हैवी अच्छा नहीं लगता। एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर कि मुझे बिल्कुल ही सिंपल मेकअप करना है, तो अभी मैं जो है कोई सा भी शिमर जो है वो अपनी आईज़ पे लगाऊंगी। इट डिपेंड्स कि मेरी ड्रेस कौन सी है, फिलहाल तो मैंने ब्लैक पहना हुआ है, तो मैं कोई सा भी शिमर अभी अपने आईज़ पे थोड़ा सा टैप कर दूंगी और लाइनर लगा दूंगी, दैट्स इट। एंड टुडे आई एम यूजिंग दिस शेड, इट्स रियली प्रिटी पीच कलर, इट्स कॉल्ड इज हानिया। तो इसको मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई करूँगी। Really pretty. So now eyes are done almost. अब it's up to you कि आप आई लाइनर लगा रहे हो या फिर आप आई लैशेज लगा रहे हो। मैं सेम पैलेट से, जो ग्लैम गर्ल की मेरे पास पैलेट है, उसमें से ब्लैक कलर उठाऊंगी और ब्लैक के साथ अपना आई लाइनर लगाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ माई आई लाइनर लुक्स लाइक। मैंने क्या किया है, इस ब्लैक वाले आई शेडो को इस वाले ब्रश से लगाया है, जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश नहीं होता है बल्कि आई लाइनर ब्रश ही होता है, बट थोड़ा सा मोटा होता है। तो इसको मैं लगा कर साथ ही ब्लेंड कर दिया उसी आई शेडो के साथ, ताकि थोड़ा सा स्मोकी लुक दे, बट हल्का सा, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं लगे। अब थोड़ा थोड़ा मुझे अगर यहाँ पर लग रहा है कि मेरा थोड़ा बाहर निकला गया, थोड़ा मैस हो गया है, तो मैं उसको अपने कंसीलर के साथ सेट कर दूंगी। अगर आप चाहें तो ये वाला आईलाइनर ना लगाएं, आप जो है वो जो नॉर्मल हमारा आईलाइनर होता है वो ही लगा दें, बस बिल्कुल ऐसे डॉट लगाकर हमें क्या करना है, इसको साफ़ कर देना है ताकि थोड़ा सा मैस ना लगे, क्लीन कर देना है बेसिकली हमें। उसी ब्लेंडर के साथ आपको करना है ब्लेंड। अब मैं लगाने वाली हूँ आई लैशेज, यही वाले एक्वा स्टूडियो के, जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ। ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं, इसमें कोई इतना हैवी नहीं लगते, तो ये लगाऊंगी मैं। अगर आप चाहें तो आई लैशेज को स्किप कर सकते हैं और अपना मस्कारा लगा सकते हैं, एंड दैट्स इट। तो मैं ये लगाऊंगी, मैं अभी लगा कर आती हूँ। सो हियर माय आई मेकअप इज डन, एज यू गाइस कैन सी मैंने आई लैशेज लगा दिया और ऊपर से एक मस्कारा का कोट भी कर दिया है, ताकि जो मेरे फॉल्स आई लैशेज हैं और मेरे जो रियल आई लैशेज हैं वो आपस में ज्वाइंट हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं, मैं थोड़ा क्लोजअप दे देती हूँ। बिल्कुल लाइट मेकअप किया है, कोई डार्क नहीं किया है, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा विंटर्स के लिए। तो सो सॉरी गाइज, मैंने ब्लश लगाया है, बट मैं भूल गई कि मैंने वीडियो ऑन नहीं की थी, उसकी क्लिप नहीं हुई रिकॉर्ड, तो मैंने ब्लश जो है ये लगाया है, शी ग्लैम का इन द शेड स्वैप ब्राइट आई गेस, या इट्स रियली प्रिटी कोरल पिंक कलर। दिस इज़ हाउ द शेड लुक्स लाइक। मैंने अपनी ब्लश लगाया है अभी अभी और मेरा क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ। नाउ कम्स टू द हाईलाइटर। फॉर हाईलाइटर टुडे आई एम यूजिंग द हुदा ब्यूटी 3D हाईलाइटर पैलेट। इसमें से मैं यूज करूंगी ये वाला शेड, दिस वन, इट्स कॉल्ड एज एजोर्स, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। बिल्कुल थोड़ा सा सी द ग्लो, इट्स अ गोल्डन कलर, वैसे मैं इसलिए इसको लगा रही हूँ अभी। सो नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिपस्टिक का टाइम आ गया है। लिपस्टिक जो है मैं लगा रही हूँ आज सारा ली कॉस्मेटिक्स की। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स रियली प्रिटी, पैकेजिंग इज रियली गुड, एंड इट्स इन द शेड 03 ब्राइडल शावर। तो ये कुछ वेरी प्रिटी न्यूट कलर, एंड द फॉर्मूला इज टू डाई फॉर, बहुत ही बटरी, बहुत ही अच्छा मजे का फॉर्मूला है, एंड गोज रियली वेल विद माई आई मेकअप एज वेल।
सो दिस इज़ हाउ माई लिप कलर लुक्स लाइक. इट्स रियली प्रिटी एंड द फॉर्मूला इज रियली रियली गुड. और उसके ऊपर मैं ये वाली सेम ग्लॉस लगाऊंगी. इट्स फ्रॉम जे डॉट 17 कैरामिल. सेम कलर की है, बस इसको मैं थोड़ा ग्लॉसी रखना है क्योंकि विंटर्स में हमें ग्लोई ग्लोई मेकअप बहुत अच्छा लगता है. अब मैं अपना मेकअप पूरा सेट करूंगी इस मिस्ट के साथ. आप चाहे तो कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं. मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं कर रही, मैं मिस्ट यूज़ कर रही हूँ. सो या इट्स फ्रॉम ऑरियोर एंड इट्स रियली गुड. सो यस, लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर द डे, डोंट फॉरगेट योर परफ्यूम्स मिस्ट. आप जहाँ भी जाएँ परफ्यूम ज़रूर लगाइएगा. अब मैं लगा रही हूँ ये वाला मिस्ट. इट्स फ्रॉम स्टाइलो. इट स्मेल्स सो गुड. एंड मुझे नहीं पता ये कौन स्पेशल वन बॉडी मिस्ट है. इट्स फ्रॉम स्टाइलो. इट्स सो गुड. आई रियली लाइक इट. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो डू गिव मी अ थम्स अप एंड टेल मी इन माई कॉमेंट सेक्शन इफ यू लाइक इट और नॉट. दिस इज हाउ माई फाइनल लुक लुक्स लाइक. इट्स रियली प्रिटी शैम्पेन लुक विच विल लुक एब्सोल्युटली Pretty on your New Year party. And ज़रूर नहीं है न्यू ईयर पार्टी, आपकी विंटर की कोई भी पार्टी में अगर आप ये लुक करोगे तो यू विल लुक प्रिटीएस्ट. इट लुक्स रियली प्रिटी. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. जब आप ये लुक ट्राई करें तो मुझे ज़रूर टैग करिएगा. एंड यस, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में. तब तक के अपना ख्याल रखें. एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वो भी कर दें. यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ विच इज नेहा स्पार्कल. एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा. मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में. बाय बाय.